आगे हम बात करते हैं इसमें इनकम कैसे आएगी, पैसे कैसे कमाएंगे। तो मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले तो आईडी लगेगी, आईडी लगने के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट परचेज करने, काम करने के लिए कैसे करने, अगर यूज करना है तो कोई बात नहीं, जो चीज चाहिए आप ले लीजिएगा, आईडी अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा, 15-20% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। और यदि आपको बिजनेस करना है, इनकम कमानी है, तो क्या करना है, कुछ प्रोडक्टों को परचेज कर लेना। कैसे करना है देखिए, एक होती है एमआरपी, एक होती है डीपी, एक होती है एसपी, सेल पॉइंट। डीपी का मतलब डिस्काउंट प्राइस, एसपी का मतलब सेल पॉइंट। जब भी आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें किस चीज पे मिलता है, एमआरपी रेट पे। दुकानदार को किस पे मिलता है, डीपी रेट पे। हमें हमेशा इस रेट पे सामान मिलेगा, छूट पे मिलेगा। और जितने भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें एसपी भी लिखा होगा, सेल पॉइंट भी लिखा होगा, किसी में एक, किसी में चार, किसी में पांच, किसी में 10। तो संस्था कहती है इसमें काम कैसे शुरू कर सकते हो, आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टों को परचेस करते हैं। जैसे 27 SP से अगर काम शुरू करते हैं तो 5,000-6,000 की खरीदारी करते हो, अपने पसंद के प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, जो घर में आपको इस्तेमाल होते हैं, दवा है, जो भी चाहिए आपको, आप अपने पसंद के ले सकते हैं। तो 5,000-6,000 में आपने खरीदारी कर ली, इसमें आपको 6,000-8,000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसमें 2,00,000 रुपए महीने तक का आप इसमें कमा सकते हो। इसके बाद दूसरी आईडी है आपकी बामन SP। बामन एसपी में आप 10,000-11,000 की खरीदारी करते हैं अपने पसंद के प्रोडक्ट की, इसमें आपको 12,000-14,000 का प्रोडक्ट मिल जाता है और इसकी कैपिंग रहेगी 4,00,000 रुपया मंथली। इसके बाद आपका 100 SP का काम, अगर 100 SP से शुरुआत करते हैं, सबसे बेस्ट आईडी है, तो इसमें आपका 16,000-18,000 की परचेसिंग करते हैं, इसमें प्रोडक्ट मिलेगा आपको 22,000-23,000 रुपए का और इसमें कैपिंग रहेगी 6,00,000 रुपया मंथली। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि 6 लाख 2 लाख 4 लाख क्या है, ठीक है ना। ये क्या है कि अगर इससे शुरू करते हैं इन फ्यूचर, अगर इससे हम काम शुरू करते हैं तो इसमें लिमिट है 2 लाख रुपए मंथली तक का, इसमें आप कमा सकते हो। काम तीनों में एक ही करना, चाहे 27 से करो, चाहे 52 से करो, चाहे 100 से करो, सब में एक सा काम करना है, लेकिन इन फ्यूचर सबका बेनिफिट अलग अलग है। जब काम करना ही है तो अच्छे के लिए क्यों ना करें, बात समझ में आ रही है। तो सबसे बेस्ट आइडिया 100 SP से, अगर हम 16,000-18,000 से खरीदारी कर लेते हैं, अगर हमारे पास क्षमता है तो, नहीं तो 5,000-6,000 से भी कर सकते हैं। अगर इससे करते हैं तो सबसे बेस्ट, इसमें हमेशा लिमिट ज्यादा रहेगी, ज्यादा इनकम आप इसमें कमा पाएंगे। तो इसमें करना क्या है, आपने घरेलू इस्तेमाल जो सामान होता है वो तो आप ले रहे हैं ना मार्केट से, वो तो खरीदे रहे, तो उसको खरीद लेना है। बाकी आपको जो दवा चाहिए कोई दिक्कत है वो ले सकते हो, और बाकी जर्नल आइटम ले सकते हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होता रहता है या दूसरों को हम दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, जो हमारे घर में इस्तेमाल होना था वो हमने इस्तेमाल किया, और बाकी जो हमारे लोग हैं उनको हमने बताया, प्रचार करना शुरू किया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें, इससे लाभ है। आप मार्केट से खरीदते थे, हमें कोई पैसा नहीं मिला, अगर यहां से लेते तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को मंजन चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए दवा चाहिए, तो अपने में से दे दो, पैसा आपके पास आ गया, आपने प्रोडक्ट दे दिया, पैसा आपके पास आ गया, तो बचा क्या, जो आपकी लागत थी, जो प्रोडक्ट लिया था वो आपका रिटर्न हो गया, जो आपने इस्तेमाल हुआ वो तो वैसे ही आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या कोई लॉस हुआ क्या, क्या कोई घाटा लगा क्या। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, बात समझ में आ रही है। तो हम लाखों रुपए का मार्केट से खरीदारी करते कि नहीं करते, साल भर में लाखों रुपए की खरीदारी कर डालते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन हमने यहाँ से बिजनेस शुरू कर दिया तो हम इसमें एक बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे हम इसमें इनकम ले सकते हैं। तो पहली इनकम तो मिलेगी आपको रिटेल इनकम। रिटेल जानते हैं, रिटेल जानते सभी लोग, रिटेल क्या होता है, जब हम कोई सामान मार्केट में लेने जाते तो वो MRP पे मिलता है और उसको दुकानदार को मिलता है DP रेट पे। रिटेल का मतलब ये कि कभी भी आप कोई यहाँ चीज खरीदेंगे तो हमेशा 15-20% आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर 10,000 MRP का आपने सामान खरीदा तो वो मात्र आपको 8,000 DP पे मिल जाएगा, यानी मात्र 8,000 रुपए का पड़ जाएगा। सीधी सीधी कितने की बचत, 2,000 की। अगर धीरे धीरे साल भर में 1,00,000 रुपए का सामान आपने खरीदा तो वो मात्र 80,000 रुपए का आपको आ जाएगा, कितने की बचत, 20,000 की बचत। यानी कि आपको लाइफ टाइम इस तरह से आपकी बचत होती रहेगी। आप अगर किसी को भी अपनी आईडी से और भी प्रोडक्ट उठा करके देते हो तो वो भी आपको बचत होती रहेगी। तो ये इनकम मिलेगी आपको लाइफ टाइम। यही इनकम को कमाने के लिए एक दुकानदार कितने रुपए लगा देता है, 1,00,000 रुपए। तो क्या आपने कोई 1,00,000 रुपए लगाया,
आपने कुछ प्रोडक्ट लेकर के काम शुरू कर दिया या रजिस्ट्रेशन करके काम शुरू कर दिया, तब भी आपको ये वाला प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें हमें संस्था की ओर से इनकम और कौन कौन सी मिलेगी। तो दूसरी इनकम जो है वो है मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम ये क्या कहलाती है? ये मिलती है नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दुनिया में आज कोई भी इंसान पैसे ज्यादा कमा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसका नेटवर्क बड़ा है। एक टॉपी 1 रुपए की मार्केट में बिकती है लेकिन करोड़ों का बिजनेस कैसे कर लेती है? नेटवर्क की वजह से, क्योंकि उसका कस्टमर का नेटवर्क बड़ा है। बात समझ में आ रही है? जिस चीज का नेटवर्क बड़ा है, उसके यूजर ज्यादा है, तो उसका बिजनेस, कोलगेट आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि लोग यूजर ज्यादा, यानी कि नेटवर्क उसका बड़ा है। बात समझ में आ रही है? यदि हमें भी बिजनेस पैसा कमाना अच्छा, तो हमें भी अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। आज पतंजलि पूरे विश्व में छा गई है। क्यों? उसका नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, उसकी यूजर बढ़ते चले जा रहे, इसलिए उनका टर्नओवर भी बढ़ता चला जा रहा है। हमें करना क्या है? हमें भी इनकम कैसे मिलेगी बड़ी इनकम, हमें अपने लोगों को बताते चले जाना, समझाते चले जाना। अगर 4 पैसे का एक आम इंसान को लाभ मिलेगा तो वो क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा? अभी तक मार्केट से लिया, खरीदारी की, कोई पैसा नहीं मिला। अगर यहां से लेने से उसको लाभ मिलता है, 4 पैसे कमाने का मौका मिलता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंपल सी बात है। तो मैचिंग इनकम क्या मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते। सबसे पहले ह्यूमन सो आप आईडी लग जाती है। इसके बाद संस्था कहती है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें एसपी पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? खरीदोगे तो एसपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी को दबा दिया तो एसपी बढ़ेगा कि नहीं? किसी ने आईडी लगाई 2752 से तो एसपी बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो संस्था कहती है 100 एसपी का काम आपका लेफ्ट में हुआ और 100 एसपी का राइट में हुआ तो आपको 1000 रुपए आएगा आपके सप्ताह में। कितना? 1000 रुपए आएगा आपको सप्ताह में। अभी तक कितने बार खरीदारी की, क्या पैसा मिला? नहीं मिला ना। आपने क्या किया? खरीदारी किया, किसी को बताया, धीरे धीरे 100 एसपी का काम इधर हुआ या 100 एसपी का काम इधर हुआ, या एक व्यक्ति ने 100 एसपी का काम इधर कर दिया, एक व्यक्ति ने 100 एसपी का काम कर दिया, यहाँ पे आपने सिर्फ बताया भर है, तो आपके अकाउंट में सीधे सीधे 1000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही आपके साथ लोग बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जैसे काम बढ़ेगा तो एसपी भी बढ़ेगा। अगले वीक मान लीजिए यहाँ पे 200 एसपी का काम होता है और 200 एसपी का काम यहाँ पे होता है, सबको मिला करके आप जो करेंगे वो तो है ही, आपने जिनको बताया अगर वो भी कुछ भी खरीदारी करते हैं या किसी को भी बताते हैं तो उनको सबको मिला करके 200 एसपी लेफ्ट हुआ, 200 राइट, तो आपको सीधे सीधे उस सप्ताह कितना आएगा? 2000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 5 महीने, 6 महीने हुए, तो लोग बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और जब लोग बढ़ेंगे तो हमारी परचेसिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और परचेसिंग बढ़ेगी तो हमारे एसपी पॉइंट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अगले सप्ताह 500 एसपी का काम इधर हुआ और 500 एसपी का काम इधर हुआ, उस सप्ताह आपको कितना मिलेगा? 5000 रुपए। अगले सप्ताह मान लीजिए 1000 एसपी का आपका काम हुआ, 1000 एसपी का लेफ्ट काम हुआ, तो उस सप्ताह कितना मिलेगा? 10000 रुपए। तो ऐसे इनकम आपकी बढ़ती चली जाती है। और आज यही कारण है कि जो आज के डेट में लोग जो 3 साल 4 साल पहले जिन्होंने शुरुआत किया था, आज वो इस सिस्टम से लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। और ऐसे ज्यादा दूर नहीं, अपने महोबा से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस सिस्टम से एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको आज 2 साल या 3 साल हो चुके हैं। तो ये इनकम आपको मिलेगी कहां तक? ये 1.5 लाख, अगर 100 एसपी से शुरुआत करते हैं तो 1.5 लाख रुपए सप्ताह तक का, यानी 6 लाख रुपए महीने तक की इनकम आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बोनस भी मिलता है। बोनस क्या होता है? वो मंथली मिलता है। कैसे मिलता है इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। बोनस तीसरी इनकम कौन सी है? बोनस। बोनस क्या कहलाता है इसको समझो। जैसे यू मीन्स हो गए आप, समझ में आ रही बात? 100 एसपी का काम आपका लेफ्ट हुआ और 100 एसपी का राइट हुआ तो कितना मिला था आपको? पर 100 एसपी मैचिंग पे 1000 रुपए मिलेगा। और 100 एसपी का काम इधर और हो गया, कोई भी कर दे, तो आपको सीधे सीधे 1500 रुपए का बोनस मिलेगा। ये आपको मंथली आएगा, ये है आपका बोनस। इसको लेवल से समझो। इसका पहला लेवल है, पहला लेवल कौन सा है बताइए? पहला लेवल है इसका ब्रॉन्ज। अब देखना यहां से, यहां आदमी तरक्की क्यों कर रहा है, यहां आदमी ग्रोथ क्यों कर रहा है, यहां पे आदमी इनकम क्यों बढ़ रही है, उसका कारण है ये लेवल। क्योंकि आज हम इंसान जो भी काम करता है, जो भी मेहनत करता है, उसके पास कोई टारगेट नहीं होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहां तक जाएगा, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा।
मैंने तुम्हें कोई कमी हो तो बताओ आदि, मेहनत तो कर ही रहा ना, यहाँ पे क्यों ग्रोथ हो रही है इंसान की, उसका एक सिंपल सा कारण है ये लेवल। क्योंकि पहले लेवल में 200 SPI आपका इधर होता है और 100 SPI आपका राइट होता है, तो 1000 रुपए आता है आपका सप्ताह में, 1500 रुपए आता है आपको बोनस, और टोटल चेक कितनी की बनती है 2500 की। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2500 की चेक बन गई है, और दो चार पांच लोग आपके साथ शुरू हो जाते हैं। अब आप अकेले काम करने वाले थे, अगर आपके साथ पांच लोग काम करेंगे या पांच लोग या 10 लोग काम करेंगे तो काम कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो अगले लेवल में सबको मिला करके कौन सा लेवल अगला? सिल्वर। सिल्वर में सबको मिलाकर आप जो काम करेंगे वो तो है ही, आपके साथ जो मिलकर जो भी लोग हैं आपके साथ में वो काम करेंगे, सबको मिलाकर के कितना चाहिए? 600 SPI। और यहाँ पे कितना चाहिए? 300 SPI। तो 3000 रुपए तो आएगा सप्ताह का मैचिंग का, और 4500 रुपए आएगा कितने का? बोनस आपको। और टोटल चेक कितने की बनेगी? 7500 रुपए की। आप अपना जो काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, पार्ट टाइम में आपने इस काम को शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया, उसके साथ में आपकी इनकम शुरू हो जाती है। अगला लेवल कौन सा है जल्दी बताएं? अगला लेवल है आपका गोल्ड। गोल्ड में सबको मिला करके 1200 SPI आपका लेफ्ट और 600 SPI आपका राइट। तो 6000 रुपए तो आएगा आपको सप्ताह में, और 9000 रुपए आएगा इकट्ठा महीने के एंड में बोनस, और टोटल चेक कितने की बनेगी? 15000 रुपए की। अब आप सोच करके देखो, एक हाउस वाइफ जो खाना पीना अपना घर पे बनाती और बाकी फ्री रहती है, अगर वो खाना पीना के साथ में 15000 रुपए महीने का कमाने लगे तो क्या उसके घर के खर्चे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? घर की हेल्प होगी कि नहीं होगी? उनके बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक हो पाएगी कि नहीं? आगे चलते ये यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं आपका, क्योंकि अब आपके साथ लोग आ रहे हैं, लोग काम करेंगे, आप काम करेंगे तो काम और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगला लेवल है चौथा लेवल, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। प्लेटिनम लेवल में सबको मिलाकर के कितना? 2400 SPI। और आपका यहाँ पे लेफ्ट में कर दें तो 1200 SPI। 12000 रुपए आएगा आपको सप्ताह में, मैचिंग जैसी होगी, और 20000 रुपए आएगा आपका बोनस। टोटल चेक कितने का बनेगा आपका? 32000 रुपए का। और आज की रेट में 30-35000 रुपए महीने का कमाने के लिए एक व्यक्ति कितनी पढ़ाई करता है? अरे बताइए कितनी पढ़ाई करता है? आज की डेट में 30-35000 महीने का कमाने के लिए एक व्यक्ति इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और प्रिपरेशन करता है 4 से 5 साल। सही है या गलत है? इस बात पे अग्री करते कि नहीं? और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्यूटर एग्रीकल्चर साइंस, कई जगह इंटरव्यू हुए हैं, कई जगह एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इतनी इनकम कमाने के लिए आदमी आज 15-16 साल पढ़ाई करता, लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च करता, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला लेवल है पांचवा, इसको बोलते हैं हम इमराल्ड रैंक। इमराल्ड रैंक में सबको मिला करके, क्योंकि लोग हैं आपके साथ में, दिन पे दिन काम बढ़ना ही बढ़ना है, 4800 SPI आपका लेफ्ट और 2400 SPI आपका राइट। 24000 रुपए आता आपका सप्ताह में, प्लस 45000 रुपए इकट्ठा आता आपका बोनस का महीने के एंड में। टोटल चेक कितने की बनती है? 69000 रुपए की। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज इस लेवल को भी कंप्लीट कर लिया है। और जिस दिन आपका इमराल्ड रैंक कंप्लीट हो जाता है ना, यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सिक्योरिटी मिलती है जो कहीं पर नहीं मिलती। आज लोग इसमें एज ए कैरियर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही कारण है, एक सुरक्षा हो, इतने बढ़िया लेवल, हर आदमी के एक टारगेट बना हुआ है कि अगर जे कंप्लीट होगा तो उसको पता है कौन सा होना है मेरा जे, और अगर दूसरा होगा तो फिर कौन सा होना है? तीसरा। और तीसरा होगा तो कौन सा होना है? तो हर इंसान को पता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मुझे मिलने वाला है, इसलिए उसकी दिन पे दिन ग्रोथ होती चली जाती है। अगर एक व्यक्ति सही से काम करता है तो क्या 4-5 लेवल एक साल में नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है, उससे कम टाइम में भी कर सकता है। और एक बार आपकी इतनी इनकम होगी, टीम बन गई, तो क्या आप आगे पीछे जाएंगे? आप हमेशा आगे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इमराल लेवल पे आप जैसे पांचवा रैंक कंप्लीट कर लेते हैं तो एक सुरक्षा मिल जाती है। सुरक्षा क्या है? आज हम लोग घर से निकल करके मेहनत करते, काम करते, दिल्ली बंबई गुजरात जाते, कहीं भी जाते, क्या हमारी कोई सुरक्षा होती है? कोई सिक्योरिटी होती है? कल के दिन आपके साथ किसी के साथ कुछ हो जाए तो क्या उसके परिवार को कोई राहत होती है?
कहीं राहत नहीं होती है और हमारी कोई इज्जत नहीं होती। आप कितनी भी मेहनत कहीं ना कर लो, कहीं पे भी जाके कितनी ईमानदारी से मेहनत कर लो, कोई सपोर्ट नहीं होता। सही है गलत है? सही है। किसी कंपनी ने क्या ऐसा फॉर्मूला बना के रखा है कि ये मजदूर 2 साल से काम कर रहा है, ये व्यक्ति हमारे वहां पे 4 साल से काम कर रहा, इसको अगर कोई घटना घट जाए तो उसके परिवार की सुरक्षा हम देंगे? किसी कंपनी ने कहा क्या? नहीं कहा। थैंक्स कहता हूँ AWPL को, इसलिए दिल से काम यहाँ पे करते हैं। इसने एक चीज बहुत अच्छी बोल के रखी है और आज इस चीज के वजह से बहुत सारे लोग के परिवार आज दिल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके परिवार के मेन सदस्य दुनिया में भी नहीं है लेकिन आज उनके घर में पैसा जा रहा है इसलिए AWPL की वजह से। प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए इंसान इंसान अपने भाई को छोड़ देता है। सही है कि गलत है? और थैंक्स कहो AWPL को कि जाने के बाद भी उसके अकाउंट में पैसे डालती रहती है। जैसे आपको एनरोल ड्रिंक कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। कैसी सिक्योरिटी मिलती है कि अगर किसी के साथ जो बंदा काम कर रहा है 5वीं रैंक कंप्लीट कर चुका है उसके साथ भविष्य में भगवान न चाहे कोई घटना घट जाए तो उसका परिवार का क्या होगा? संस्था ने उसके लिए भी सोचा एक कदम आगे जा करके। संस्था बोलती है अगर किसी के साथ ऐसी घटना कभी हो गई, भगवान न चाहे कभी हो, तो 1 से 22 लाख तक का फंड देगी उसके परिवार को। कितना? 1 से 22 लाख का फंड देगी। और साथ ही साथ में अगर किसी को शादीशुदा छोटे बच्चे हैं तो 2 बच्चों की शिक्षा 12वीं क्लास तक फ्री कराएगी। और इसके साथ साथ जिसको भी परिवार में नॉमिनी बनाएगा वो व्यक्ति, चाहे बच्चे को चाहे वाइफ को चाहे किसी को भी, उसी लेवल पे उस व्यक्ति को काम मिल जाएगा जिस लेवल पे ये व्यक्ति होगा, जितने के महीने पे होगा, 20,000 के, 30,000 के, 40,000 के, 50,000 के, उसी लेवल पे उस व्यक्ति को काम मिलेगा। अगर इतनी सारी चीजें मिले तो काम करना चाहिए कि नहीं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी प्रैक्टिकली जो मैंने देखा हुआ है, हमारे गणपत मीना जी थे, एक सीनियर लीडर थे हमारे, वो सीनियर हैं। 2020 में कोरोना काल में उनका देहांत हो गया था, जबकि उनके बीबी और एक 2 बच्चे छोटे, एक लड़का एक लड़की, लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है, आज उस दुनिया में नहीं है। जब मेन व्यक्ति परिवार का कोई चला जाएगा तो क्या होगा उसका? लेकिन वो तो सही कहो कि थैंक्स कहो AWPL की संस्था में काम कर रहा था, आज वो दुनिया में नहीं है। उसकी आईडी उसके वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो गई है और उसको जबकि कोई नेटवर्किंग का अनुभव नहीं है और आज 2 लाख रुपए महीने का कमाती है। और जिसको विश्वास ना हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि गणपत मीना AWPL से कौन है, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। और खुशी की बात सुनो, इस वीक में जो क्लोजिंग हुई है, ऐसा कभी सुना है कि वो व्यक्ति धरती पे नहीं और उसको लाखों रुपए आ रहा है? इस वीक में क्लोजिंग हुई, इस वीक में गणपत मीना जी का चेक पता कितने का बना? 1.5 लाख रुपए का। और जबकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे लोग इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं तो आप तो जिंदा हो। हाँ, समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एमराल्ड रिंग पे सुरक्षा, इसलिए आदमी दिल से यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन खोने के लिए यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं। कि मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, क्या आपने कहा 10-15-20 हजार से कभी खरीदारी नहीं की? और क्या आगे नहीं करेंगे? लेकिन क्या रोजगार आज तक मिला? क्या आज तक आपको कोई पैसे कमाने का मौका मिला? हमने मोबाइल भी खरीदा, गाड़ी भी खरीदी, कपड़े भी खरीदे, सामान भी खरीदा और आगे भी खरीदेंगे, लेकिन क्या रोजगार मिला? लेकिन मैंने भी 18,900 शुरुआत किया था 1 साल पहले, 2021 में दिसंबर माह में, और वहां से लेके आज मेरे को 1 साल काम करते हो चुका है और आज मैं 4 लाख से प्लस कमा चुका हूँ। और मैं अगर इस सिस्टम में ना होता तो क्या मैं सामान नहीं खरीदता? क्या मैं नहाना बंद कर देता? क्या आप लोग कर दोगे? तो किसी ना किसी कंपनी का तो भला करोगे कि नहीं? आप लक्ष्य लगाओगे लक्ष्य वालों करोगे, लाभ बॉय लगाओगे लाभ बॉय वालों करोगे, डब लगाओगे डब वालों करोगे। सही है कि गलत है? अरे तो भैया अपना क्यों नहीं कर रहे हो? अपना कर लो। सही है कि नहीं है? संस्था कहती है कि इनका भला क्यों कर रहे हो? वे तो है ही कामयाब, वो तो है ही अमीर। शैंपू लगा रहे किसी कंपनी का, वो अमीर हो रहे, आप थोड़ी हो रहे हैं, आपके तो बाल झड़े जा रहे हैं। सही है कि नहीं है? तेल लगा रहे हो किसी कंपनी का, वो अमीर हो रहे हैं, आपका क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सही है कि नहीं है? मंजन किसी का कर रहे हो, आपको क्या मिला आज तक? कुछ नहीं। अरे अपनी कंपनी का इस्तेमाल करो, स्वस्थ भी रहो और पैसे भी कमाओ। हमारे किसान भाई बहुत सारे हम लोगों से जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक खेती का कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन अब शानदार प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है एग्रीकल्चर का।
किसान भाई बहुत खुश है, ऐसी फसल हो रही लोगों की। लोग आज हमें एक मवई गांव से हमारी एक लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कहती है हमने डड़वा में डाल दिए थे। डड़वा बोलते क्या बोलते हैं? बोले जहाँ कुछ नहीं हुआ करते थे। बोले इतनी बढ़िया फसल है कि प्रधान जी बोल रहे थे, प्रधान जी बोल रहे थे कौन सा बीज इसमें बोया है, हम की आ रहे हैं हम वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना, तो किसान भाई भी हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि खेती बहुत बड़ा एरिया है। डीएपी यूरिया क्या कर रही है, नुकसान कर रही है, हमारी जमीन को बंजर बनाती चली जा रही है, पीएच मान बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि ये केमिकल है। हमारी जमीन का पूरा कैचुआ खत्म हो चुका है, सही है कि नहीं है? तो हमारी खेती भी सुधारना है, लोगों का स्वास्थ्य भी सुधारना है, और लोगों को रोजगार भी देना है। तैयार है? अगला लेवल है आपका छठवां, इसको बोलते हैं टोपाज रैंक। इसमें देखिए, टोपाज रैंक, टोपाज रैंक में क्या है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। छठवां रैंक, छठवां रैंक में क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं टोपाज रैंक। इसमें आपका 12,000 एसपी लेफ्ट और 6,000 एसपी आपका राइट, तो 60,000 रुपए आता है मैचिंग का, प्लस 1.5 लाख रुपए आता है आपका बोनस का इकट्ठा, और 2,10,000 का आपका क्या बनता है, चेक बनता है, और 3 नाइट 4 डेज का मिलता है आपको थाईलैंड ट्रिप। यानी कि आपने घूमने का सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन अगर इस सिस्टम से जुड़ करके काम कर लिया, तो ये गारंटी है कि आज नहीं तो कल विदेश भी घुमाएगी संस्था फ्री में। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि विदेश जाएंगे, हमने विदेश तो क्या इंडिया के लिए नहीं सोचा था, लेकिन इस सिस्टम की वजह से एक साल के अंदर कोडिला क्रूज का भी टारगेट बिन किया था, गोवा का भी टारगेट बिन किया था, जैसलमेर का भी टारगेट बिन किया था, और ये थाईलैंड का ट्रिप भी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो यहां भी जाने वाले हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि मैं अगर कर सकता हूं, जहां मुझे महोबा में कोई नहीं जानता था, अगर मैं कर सकता हूं तो क्या आप में कोई कमी है क्या? बस दिक्कत इस चीज की है कि हम दूसरों पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन जो इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं करते। बात समझ में आ रही? जिस दिन अपने आप पे आपने भरोसा करना शुरू कर दिया, दुनिया आप पे भरोसा करना शुरू कर देगी। तो क्या करना है, अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर देना। मैंने ये लेवल किए थे मात्र 8 महीने में, कितने में, 8 महीने में ये लेवल कर लिए थे, और मैं 8 महीने में मैंने 6 लेवल कर लिए थे, तो आप 8 महीने मतलब 6 लेवल 8 महीने में कर लिए थे मैंने, तो मैं कहता हूं अगर आप सही से काम करो तो क्या 8 महीने में आप नहीं कर सकते हो? मैं कहता हूं 8 महीने में नहीं होगा तो साल भर में होगा कि नहीं होगा, और साल भर में भी कर लिए तो क्या नुकसान है? इसके साथ साथ अगला लेवल है आपका रूबी स्टार का लेवल। इसमें आपका जो है 3 लाख का चेक बनता है, और आपको 50,000 मिलता है बाइक फंड, यानी 3.5 लाख का आपका चेक बनता है। ये मेरा बहुत जल्दी होने वाला है, हो सकता है, हो सकता है आपको बहुत जल्दी ये गुड न्यूज सुनने को मिले। अगला लेवल है आपका सफायर रैंक। इसमें आपका 6 लाख का चेक मिलता है, साथ में आपको दुबई में का टूर मिलता है फ्री में, आप फैमिली के साथ जा सकते हो। इसके साथ अगला लेवल है आपका स्टार सफायर का। इसमें आपका चेक बनता है 7 लाख रुपए का, और साथ में आपको फंड मिलता है आपका 6 लाख रुपए कार के लिए, ठीक है ना, और साथ में आपको मिलता है मलेशिया का ट्रिप, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ अगला ट्रिप है आपका, अगला लेवल है आपका डायमंड रिंग का। डायमंड हर किसी का सपना होता है, और इसमें आपको स्पेशल बता दूं, ये 13 लाख का यहाँ पे चेक बनता है, कोई भी व्यक्ति डायमंड बनता है, और यदि हमारी माता बहनें डायमंड करती हैं तो 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा कंपनी की ओर से। हमारी संस्था ने महिलाओं के लिए स्पेशल छूट रखी है हमारी, ठीक है ना, बोले नारी शक्ति के लिए स्पेशल दे रखा है, तो अगर हमारी कोई माता बहन डायमंड बनती है तो सबके लिए 13 लाख है, लेकिन उनके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा कंपनी ने दे रखा है हमारे डॉक्टर संजीव सर ने, ठीक है ना। और साथ में मिलेगा आपको 9 लाख मिलेगा आपको कार फंड, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके, और साथ में आपको मालदीव का ट्रिप भी मिलेगा पूरी फैमिली के साथ। इसके साथ आपका ब्लू डायमंड गोल्ड के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, सब चीजों के लिए फंड है। ऐसे टोटल कितने लेवल है, टोटल लेवल है आपका 18 लेवल। 18 लेवल का टोटल प्लान है आपका 100 करोड़ का, कितने का, 10 आपको फॉरेन टूर मिलेंगे ऑटोमेटिकली कंपनी की ओर से, जैसे लेवल होगा ऑटोमेटिकली मिलेंगे। इसके साथ साथ 4 ऑफर मिलेंगे कंपनी की ओर से, आप अगर बिन करते हो 3-3 महीने के ऑफर मिलेंगे, यदि आप बिन करते हो तो ये भी फ्री में आपको घूमने का मौका मिलेगा। अब मुझे बताओ इतना सब कुछ पाने के लिए हमें क्या करना है? आप मैंने एक सिंपल सी बात आपसे पहले पूछी थी, आज की डेट में 30 से 40 हजार 50 हजार रुपए महीने का अगर कहीं से कमाना है,
मार्केट से कमाना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, सही गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अगर आज के डेट में मार्केट से 40-50 हजार रुपए महीने का कमाना है तो आपको कोई ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा और उसमें आपको लाखों रुपए डालना पड़ेगा। लेकिन इकलौता एक ऐसा बिजनेस है JEEWPL कि लाखों रुपए कमाने के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोडक्ट परचेस करके आप काम शुरू करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। क्यों कमा सकते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। मैंने कितने शुरुआत की थी, और गीतांजलि मैम ने भी शुरुआत की थी 100 SP से, और आज इनका कौन सा लेवल हो गया है, 5वां हो रहा है, 6वां लेवल जस्ट होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या लगाया, क्या लाखों रुपए लगाए? आज लाखों रुपए लगाए होते हम लोग तो वहीं बैठे होते, वहीं टाइम फाउंडेशन होती, सुबह से शाम तक खोल रहे होते, सही है कि नहीं है? और टेंशन होती कि मेरा माल बिका के नहीं बिका, सही है गलत है? मेरा माल कहीं खराब तो नहीं हो गया, यहाँ कोई टेंशन है क्या? क्योंकि जब है ही नहीं, लगा ही नहीं है, तो टेंशन किस बात की? टेंशन तो आदमी तब लेगा जब लगा हो, सही है कि नहीं है? जब लगा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझदार लोग ज्ञानी लोग कहते हैं बर्बाद हो जाएगा। मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि बर्बाद होगा कैसे भाई, जब लगा नहीं तो बर्बाद कैसे हो जाएगा भाई? आपसे मैं पूछूं कि अब यहां से बाहर निकलो कोई 1 करोड़ रुपया छीन सकता है? जब है ही नहीं तो छीनेगा कहां? तो बर्बाद होने का चांस ही कहां है? बर्बाद किसमें होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में लाखों रुपया लगता है और अगर नहीं चला तो आदमी फेल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, 10-15 हजार में कोई चीज ले ली, या 2-4-5 हजार में कोई चीज ले ली, अपने घर के इस्तेमाल की ले ली, तो क्या आज तक कोई ऐसी न्यूज सुनी आप लोगों ने कि कोई व्यक्ति बर्बाद हो गया? अरे खाने पीने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है, हर कोई करता है, अच्छा करता है, महंगा करता है, सस्ता करता है, सही है कि नहीं है? कोई तकलीफ होती है हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते तो क्या बर्बाद हो जाते हैं? तो ये लोगों की बातें हैं, तो इन बातों से थोड़ा ऊपर उठना है, अपना डिसीजन लेना। भगवान ने हमें सबसे ज्यादा सबसे इंपोर्टेंट चीज पता क्या दी, गर्दन से ऊपर पता क्या चीज दिया है, और यही हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे इस दिमाग को दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, सही है कि नहीं है? और जिस दिन हमने इस गले से ऊपर वाले भाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उस दिन लोग आपको चलाना बंद कर देंगे, आप लोगों को चलाना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो आज आपको डिसीजन लेने का टाइम है, आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, क्योंकि जिंदगी आप कितना भी कुछ समझ लो, कितना भी कुछ सीख लो, कितनी भी अच्छी मोटिवेशन ले लो, कितनी भी अच्छी प्लानिंग ले लो, कितना भी होगा जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, सही है कि नहीं है? चाहे कहते गंगा नहा लो, चाहे तीर्थ कर लो 1000, और तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक नहीं बदलेंगे विचार, सही है कि नहीं है? तो क्या बदलना है? विचार बदलना है।